को दुनिया से गए, यही बैठे होते थे, बैठ के मजलिस सुनते थे। लेकिन आज भी उनकी अलमारी में उनके कपड़े लटक रहे, आज भी अभी कल मैं कैंप में गया, वहाँ मरीज देख रहा था, तो जो ज़्यादा उम्र के थे वो कह रहे थे कि हम छोटे थे आपके वालिद साहब को दिखाने आते थे, औरतें कह रही थी हम, मैं छोटी थी तो मेरे अब्बा लेके आपको दिखाए, कोई बताता है कि इतनी बीमार थी तो हमने कुछ, यानी उनकी ज़िंदगी में मैं देखता था कि रश लगा रहता था। और अब चले गए हैं तो 20 साल के बाद भी लोग आके बताते हैं कि ये अपने वाकयात बताते हैं, उनका नाम बाकी है, उनका नाम वही। इसी तरह मेरी वालदा जो थी घर दोस्तों में, जो बच्ची अकेली होती थी ईद बकरे में घर नहीं जा पाती थी, उसको घर बुला के अपने कमरे में उठवा दी ताकि वो अकेली ना रहे। तो मतलब ये तो आज अभी ये वाक्य मुझे याद आए, फर्स्ट या सेकंड बैच की लड़की थी, उसने उससे मेरी बात हुई, उसने कहा कि एक दफ़ा मैं ईद पे घर नहीं जा पाई थी, मेरे वालदैन जो थे वो UAE में थे, तो आपकी अम्मी ने जो है बुला के मुझे अपने साथ रखा, खड़ा हुआ खाना खाओ ये खाओ ये करो खुद खिलाते। तो मतलब कहने कहिए कि लोग याद करते। अच्छा अब आप फिर कुरान की तरफ लौटें तो उसका भी जिक्र है। अल्लाह ताला कुरान में सूरह बकरा की आयत नंबर 152 में कहता है कि फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, अगर तुम मेरा जिक्र करोगे तो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। तो मेरे वालदैन को मैं जब देखता था तो उनको जिक्र खुदा करते थे और बहुत दिलजोई से करते थे। यदि 10 मुहर्रम होती थी हम लोग यहीं पे बैठ के, मेरे वालिद साहब के जो भी इस प्रकार ने भैया ने जो मसीहा पढ़ा कि जब खात्मा बखैर हुआ पौधे शाम का, ये मसीहा भी जो है वो पूरी सिर्फ उर्दू के नहीं, दुनिया के अंदर जितनी हुस्निया शायरी हुई है उसकी क्लास में से एक है। अगर उसके साथ बानो बशीर खास को अख्तुब से प्यास है नबी तो मसीहा, और अनीस का ये मसीहा आप उठा लें तो अरबी फारसी अंग्रेज़ी फ्रांसीसी किसी अदब के सामने आप रख दें, इससे बेहतर उर्दू शायरी हुई नहीं। तो ये लोग बैठे हुए यहाँ पे होते थे और आंसू बह रहे होते थे सबके। तो इसीलिए 20 साल बाद भी आपको सड़कों पे लोग मिल जाते हैं जो कि तारीफ कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अल्लाह का जिक्र किया तो अल्लाह ने उनके जिक्र को मिटने नहीं दिया। और ये तो चलो एक और लेवल की बात, एक बड़े लेवल की बात करें, लेकिन बातें इस तरह से बाकी रहे। ताजमहल की बादशाह ने बनाया, खड़ा हुआ है इतनी जगह पर, हुकूमत की सरपरस्ती है, पैसे थे ये था वो था सबका, लेकिन ताजमहल देखने एक दिन में कितने लोग जाते, मिस्र के जो बड़े बड़े फिरौन थे उनके जो बड़े बड़े मीनार मैं खुद जाते हूँ कई बार, लेकिन वहां पे आप चले जाए कितने लोग खड़े होते हैं, 1,000, 2,000, 3,000। लेकिन एक ऐसा भी था शख्स जिसने अल्लाह का जिक्र इस तरह किया जैसा उसने पहले किसी ने किया ना उसके बाद की, और कल की तारीख थी कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग इलेक्ट्रॉनिकली काउंट करके वहां मौजूद थे, 2 करोड़ लोग, ना वो बादशाह था ना वो जितने पैसे थे, बस के वो तो मजलूमियत की भाव पे था। तो क्या ये सिर्फ इत्तफाक है, या तो आप अल्लाह को ना मानो, या तो आप बोले कि कुरान में जो लिखा है वो दुरुस्त नहीं, और मान रहे हैं तो फिर माने कि कोई तो है जो 2 करोड़ लोगों को खींच के माने की जा रहा है, कोई तो है ना, इत्तफाक है। इत्तफाक वगैरह कोई चीज नहीं होती भाई, हर चीज अल्लाह ताला की मर्जी से हो रही है। अगर 2 करोड़ लोग जा रहे हैं, इस साल का सबसे बड़ा मजमा अगर कहीं जमा हो रहा है पूरी दुनिया में, चीन को मिला के भारत को मिला के, तो उसके पीछे कोई जात तो है ना, वो तो कह रही थी कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। तो ये जो लोग 2 करोड़ लोग वहाँ पे हैं वो जिक्र नहीं कर रहे, ये अल्लाह जिक्र कर रहा है। आप इंसानों को चुप करा सकते हैं बादशाहत में और लगा दें आप, इंसान चुप हो जाएंगे,
लेकिन अल्लाह पे आप क्या फोड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ से किस किस तरह। हालांकि इस तरह हालात भी बहुत खराब है, मालूम नहीं कितनी सियासत चल रही थी और क्या क्या हो रहा था, उसके बावजूद पहुँचने वाले पहुँच गए, जिक्र करने वाले जिक्र कर रहे थे, आप भी आके बैठे हैं, दूर पड़े मोहम्मद आलम से बैठे हैं, थक भी गए होंगे, इसलिए मैं वो बात करता हूँ जो मैंने आपसे सजा दी कि मैंने क्यों फैसला किया कि वालदैन की मजलिस को पढ़ूँ। उसकी वजह ये है कि वालदैन की सबसे बड़ी मजलिस एक बेटे ने पढ़ी, मौजे यजीद में दरबार यजीद जब अहले बैत पहुंचे तो यजीद ने अपने खतीब से कहा कि इनकी बुराई बुराई करो, तो उसने उनको काफिर और बागी करार दिया और यजीद को रसूलुल्लाह का रिश्तेदार माना। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि अगर जरूरत हो तो इस लकड़ी के चबूतरे पे जो उसका वो था जहाँ पे खड़े हो इस पे खड़े होकर मैं भी दो चार लफ्ज बोलूँ। उसने कहा कि नहीं, आपको इजाज़त नहीं मिल सकती। चुनानचे सारी दरबार ने कहा कि क्या जजीरे लगी नहीं हाथों में भी पाँव में भी जख्मी है, भूखा है, प्यासा है, क्या बोलेगा, दूसरा काम बोलेगा तो अभी तो सुनिए कौन है क्या कहता है। फिर उन्होंने जो किताब किया मांग वैसा किताब आज तक किसी बेटे ने अपने बाप के लिए नहीं लिखा। तो उन्होंने फरमाया, मैं आपको मुख्तसर बताता हूँ, अगर मौका मिले पढ़िएगा तो क्या शख्सियत थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन। दो किताबें उन्होंने ऐसी लिखी हैं जो कि मौजूद हैं, बाकी को जला दी गई, लेकिन दो किताबें ऐसी हैं। एक है रिसालतुल हुकूक, जिसके अंदर हर रिश्ते का हक का है कि आपके ऊपर पड़ोसी का क्या है, आपके बाप का क्या है, बेटी का क्या है, चचा का क्या है, बहन का क्या है, भाई का क्या है, और जानवरों तक का क्या, बुजुर्गों का क्या आपने, छोटों का क्या आपने, पड़ोसियों का आपने, सारे हुकूक बयान किए। 200-300 साल पहले दुनिया जागी और उसने ह्यूमन राइट्स के कमीशन बनाने शुरू किए कि 1400 साल पहले रिसालतुल हुकूक लिखी गई और दुनिया में पहले इंसान की तरफ से लिखी हुई पहली किताब है जिसमें इतने तफसील से हुकूक को बयान किए। ये तो लोग बयान नहीं करते कि इतना बड़ा ये वाक्य है। दूसरी किताब उन्होंने जो लिखी वो तौहीद के मौजू पर, यानी कभी भी ये मेंबर इसलिए नहीं कि इसमें आप तौहीद को गुटमुट कर दें, ये शायरी इसलिए नहीं है कि आप तौहीद को गुटमुट कर दें। तौहीद से निकल कर सबसे पहले आपको अगर नाराज़गी मिलेगी तो आले रसूल की मिलेगी, और रसूल क्योंकि जो किताब तौहीद पे हजरत सज्जाद बिन इमाम हुसैन ने लिखी वैसी किताब आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी जबान में कहीं नहीं मिलेगी। मेरे पास पढ़ी भी है, इसमें इतने दलाइल हैं तौहीद के बारे में, और अल्लाह ताला की मार्फत अगर हासिल करनी तो हकीकत यह है कि ये किताब मेरे सिराज अरफ़ पढ़ी गई। जब मौका मिलता है उसके कुछ पढ़ता हूँ तो कुछ वक्त अभी तक कई दफ़ा बार बार पढ़ के अभी भी ऐसे जो कि आपने कह रहा मैं जाता हूँ कि पिछली बारों में ये नज़र में क्यों नहीं रुका, नए नए जुमले नज़र आते। तो वो शख्स थे, तो उन्होंने कहा कि ऐ लोगों, अच्छा मुख्तसर कर रहे हैं, खुदावंद मुताल ने हम खानदान रिसालत को 6 इम्तियाजात से नवाजा है और 7 फजीलतों से। 6 इम्तियाजात इल्म है, इल्म बख्शिश व सखावत, फसाहत, शुजात और मोमिनीन के दिलों में हमारी मोहब्बत।
अब अगर फर्ज करें कि आले रसूल का नाम सुन के, उनकी तकलीफें सुन के किसी की आंखों में आंसू आ जाता है, तो ये मोहब्बत की निशानी है ना। शक वो हजरत सज्जाद आपकी गवाही दे रहे हैं कि जिसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं हमारा जीवे सुन के, मेरे बाप के गले पे चलते हुए हजरत का जीवे सुन के, वो मोमिनीन में से। फिर साथ फरीदे ये बताइए कि खुदा के सबसे बुरजीदा पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से, हजरत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहि सलाम हम में से, जाफर तैयार हम में से, हजरत हमजा सैयदुल शोदा हम में से, इस उम्मत के दोस्त सिर्फ इमाम हसन और इमाम हुसैन हम में से, और जो इस उम्मत की सबसे बड़ी खातून हजरत बतूल सलामुल्लाह अलैह हम में से, और इमाम मेहदी जो आखिर जमाने में आएंगे वो भी हमारी औलाद में से हो। ये सात बातें बताएं। उसके बाद कहा कि लोगों, अब जो मुझे जानता है तो जानता है, और जो मुझे नहीं जानता तो मैं अपने ख़ानदान और अबा अजदाद को मुतारिक करा के अपना तारुफ कराता हूँ। इसके बाद जो जुमले हैं वो फसाहत में और बयान में और अदब में इससे बेहतर जुमले आपको अपने बारे में नहीं मिलेंगे। लोगों, मैं मक्का और मदीना का बेटा हूँ, मैं जमजम और सफा का बेटा हूँ, मैं उस बुजुर्ग का बेटा हूँ इसने हजर असवद को अपनी अबा के पल्लू से उठाकर अपने मकाम पर नसब किया, मैं बेहतरीन आलिम का बेटा हूँ, मैं उस अजीम हस्ती का बेटा हूँ इसने अहराम पाना और तवाफ किया उससे ही बदल आए, मैं बेहतरीन सबसे बेहतर तवाफ करने वालों और बेहतरीन लब्बैक कहने वालों का बेटा हूँ, मैं उस बुजुर्ग का बेटा हूँ जो बर्बाद पर सवार हुए, मैं उनका बेटा हूँ जो इन्होंने मेराज की शब मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा की तरफ सैर की, मैं उस हस्ती का बेटा हूँ जिनको जिब्रील सूरतुल मुंतहा तक ले गए, मैं उनका बेटा हूँ जो ज़्यादा करीब हुए और ज़्यादा करीब हुए। तो वो थे दो कमान या इससे कमतर, ईद कुरान का जो जिक्र हो रहा है यह उससे कमतर फासला और परवरदिगार के मकाम के करीब तर हो गए। मैं उस वाला सिफात का बेटा हूँ जिन्होंने आसमान के फरिश्तों के हमरा नमाज अदा की, मैं उस रसूल का बेटा हूँ जिसको खुदाए बुजुर्ग मुर्तजा ने वही भेजी, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा और अली मुर्तजा का बेटा हूँ, मैं उस शख्सियत का बेटा हूँ जिसने मुशरिकीन और अल्लाह के नाफरमानों की नाक हाथ में रगड़ी हत्ता कि कुफार व मुशरिकीन ने कलमे तौहीद पे इकरार किया, मैं उस अजीम मुजाहिद का बेटा हूँ जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और आपके रुकाब में दो तलवारों और दो नेज़ों से जहाद किया और दो बार हिजरत की और दो बार रसूलुल्लाह के हाथ पर बैत की, दो बार रसूलुल्लाह ने उनको अपना भाई करार दिया, बद्र हुनैन ने कुफार के खिलाफ जहाद किया। तो ये पूरा उसके बाद से भी उसके बाद काफ़ी तवील आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है मैं उसका बेटा हूँ जिसको गर्दन के पीछे से 13 दफ़ा ज़बह किया गया। तो भाई आप लोग ये समझ लें कि जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने फैसला किया कि वालदैन की मजलिस खुद पढ़नी चाहिए। तो सज्जाद दरबारे यजीद में खड़े होके दुश्मनों की तलवारों के बीच में भूखे और प्यासे जख्मी जंजीरों में जकड़े हुए अपने बाप की मजलिस पढ़ सकते हैं तो हम भी ना पढ़ें, हमारे लिए अगर थोड़ा मुश्किल है तो मुश्किल उतरेगी। एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए, इंशाअल्लाह ताला कल की मजलिस टाइम पे होगी और बहुत सारे ऐसे मुताज जो मुझे आपसे बयान कर रहे हैं इस साल तो मैं कल और परसों आपसे बयान करूँगा। एक दफ़ा आप पढ़ें बाबा जब का दूर पढ़ें।